के मऊरानीपुर में भारतीय विकास यूनियन टिकैत गुट के राष्ट्रीय आवाहन पर जनपद झांसी के किसान यूनियन नेताओं द्वारा केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार द्वारा लागू किसान बिल को लेकर किसान आंदोलित हैं और सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। सड़कों पर उतरे किसानों द्वारा अपनी मांगों के समर्पण में खंड विकास अधिकारी मऊरानीपुर को प्रधानमंत्री, भारत सरकार, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित ज्ञापन देते हुए वीडियो से प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, किसानों की समस्याओं पर अति शीघ्र कार्यवाही की मांग की समस्याएं समाधान न होने पर किसानों द्वारा चेतावनी देते हुए कहा गया कि अब की बार आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। आप लोगों का यहाँ पे चक्का जाम रहा है, आप लोगों की क्या समस्या रही है? हमारे यहाँ भारतीय किसान यूनियन के लोग हैं, सभी किसान, पूरे देश में भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन है। जो जो देश में अध्यादेश, जो बिल, किसान विरोधी जो बिल वापस किया गया है, इसको लेकर के है कि इसको सरकार आंखें खोले और अपना बिल वापस ले। जैसे जो न्यूनतम रेट उनने धरातल पर किए थे कि गेहूं 20 का खरीदा जाएगा, तो आज क्या करके हर मंडी में देख लीजिए 13 का गेहूं खरीद रहे हैं खरीदार। हम लोग इसको लेकर के कि आप लोग आंखें खोलिए, हम लोग वोट दे करके, किसान वोट दे करके सरकारों को बनाने का काम करता है। आज किसान भूखा नंगा फिरे, किसान कैसे होगा देश महान? आज किसान नंगा फिर रहा है, किसान की कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अधिकारी जाना नहीं चाहते वापस, स्थितियाँ हैं, किसान परेशान है। किसान रोड पर इसलिए आया है कि अपना जो आपका बिल है उसको आप वापस ले लीजिए। एक किसान विरोधी बिल है, इसको वापस करें, नहीं तो किसान रोड पर क्या ट्रेनें जाम करेगा। और किसान मजबूरी बस, मैं देखिए फैमिली के, मैं बच्चे सब लोग आए हैं, महिलाएं, वो ये रोड पर बैठे हैं। नेता जी, आज आप लोगों के द्वारा यहाँ पर चक्का जाम किया जा रहा है, ज्ञापन दिया जा रहा है, किस मुद्दों पर लेकर दिया जा रहा है? भारत सरकार जो किसान विरोधी 3 अध्यादेश लाई है उसके खिलाफ मैं आज समूचे देश में, केवल उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा नहीं, समूचे देश में भारतीय किसान यूनियन आंदोलन पर है। और ये आंदोलन धरातल पर आग के रूप में काम करेगा। अगर किसानों के खिलाफ जो बिल आया है उसको सरकार वापस नहीं लेती है तो ये जंग पीछे हटने वाली नहीं है, आगे बहुत लड़ाई होगी। आज आपका कब तक जाम रहेगा यहाँ पे? जाम रहेगा ये 3 बजे तक रहेगा जाम। 3 बजे तक आप जी, जी। तो आप ज्ञापन देंगे यहाँ पर? यहाँ BDO साहब आ रहे हैं, SDM तो है ना, DM के प्रतिनिधि हैं, BDO साहब आएंगे। रहेंगे आप लोगों की? नहीं, क्षेत्रीय मांग तो रहेगी, लेकिन बिल तीनों वापस लिए जाए। और जो मतलब किसान का बगैर समर्थन मूल्य के माल खरीदा जाता है उसको अपराध की श्रेणी में लिया जाए। जिन किसानों ने बिजली के लिए अपना सब कुछ बेच करके 1 साल पहले अपना पैसा जमा किया है उनको 68,000 छूट पर ही कनेक्शन होना चाहिए, ये हम लोगों की मांग है। आज यहाँ पे किसानों ने चक्का जाम किया था, क्या मांग रही है? किसानों की जो समस्याएं हैं, जो कृषि बिल लाए गए हैं इनके विरुद्ध, और इनका कहना है बिजली नहीं आ रही है, शौचालयों की भी समस्या है, इन सब समस्याओं को लेकर के किसानों का ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन था और जाम था। तो सर, चक्का जाम को लेकर के सर मेन इनकी क्या रही समस्या? मेन वही समस्या कि इनकी जो प्रमुख समस्या है, जो दिल्ली में इनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, कुछ के खिलाफ मुकदमे लगाए गए हैं और पानी की बौछारें की गई हैं, उसी विषय पर इनकी ये चक्का जाम था। और यही कि कृषि बिल वापस लिए जाए। मुख्य आपके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया किसानों को? इनका आश्वासन, इनका ज्ञापन लेकर के, किसानों के द्वारा ज्ञापन लेकर उप जिलाधिकारी के माध्यम से, जिलाधिकारी से होते हुए शासन स्तर तक ये ज्ञापन भेजा जाएगा।